हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम हैं फुकेट में एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ टू गिव अपडेट ऑन द $10,000 अकाउंट, जो कि लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था कि $38,000 पहुंच चुका था। हमारा अकाउंट पहले 10,000 से गया 40,000, फिर वापस आ गया था वो 14,000 पे 14,000 एंड देन फिर वो वापस गया 50,000। ये पूरी जर्नी आप पीछे के ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो एंड अब वो वापस लास्ट वीक मैंने एक ब्लॉग डाला जिसमें आप देख सकते हो वो $38,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो आज अकाउंट ऑलमोस्ट $50,000 टच कर चुका है, 49,700 चल रहा है, सुबह $50,000 से ऊपर चल रहा था। तो इस वीडियो में आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या ट्रेड लिए हैं इस अकाउंट को एक हफ्ते में वापस इतना रिकवर करने के लिए एंड आगे मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद द ब्लॉग। अभी ब्लॉग मैं आगे पूरे ट्रेड्स ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा, अभी नॉइज यहाँ पे बहुत ज्यादा है वेव्स की एंड हवा की। सो आगे के ब्लॉग में आई विल शो यू एवरीथिंग। सो गाइस, अब हम वापस आ चुके हैं अपने रूम पर एंड बहुत ज्यादा हेक्टिक डे था क्योंकि जेम्स बॉन्ड आइलैंड हम घूमने गए थे तो पूरा दिन वहां पे निकल गया एंड 8-9 घंटे लगातार सी के बीच में बहुत ज्यादा टायरिंग होता है। सो अब हम वापस आ चुके हैं एंड आई विल शो यू कि मैं किस ट्रेड की बात कर रहा था जिससे हमारा अकाउंट वापस $50,000 पहुंच चुका है। तो अभी आते हैं वापस। मैं बाहर वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो वीडियो में ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ एंड जॉर्डन भी नहीं है तो इस वजह से मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि फ़ोन की सेटिंग्स कैसे करते हैं कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो सबसे पहले तो रूम का व्यू देख लो, ये सामने पूरा सी है। सो ये जगह है फुकेट एंड यहाँ पे मैंने विला रूम बुक किया है एंड मैं इस होटल में पहले भी रुक चुका हूँ, इस वजह से मैंने यही सेम होटल बुक किया था कि इसका जो व्यू है वो अमेजिंग है। आ जाते हैं अब ट्रेड पर। सबसे पहले अब देखते हैं कि ट्रेड चल कौन सा रहा है। अभी मैटिक में मेरा ट्रेड चल रहा है जिसमें $1,200 कुछ का प्रॉफिट है एंड अकाउंट पर आ जाओ, $51,000 ही अकाउंट पहुंच चुका है जो कल 49,600-700 पर था। मैंने बोला था कि वो 50,000 टच कर चुका था। आज मार्केट थोड़ी सी वापस, कल नीचे आई थी, आज वापस ऊपर आ गई तो वापस अकाउंट 51,000 आ चुका है। जो अभी ट्रेड चल रहा है इसका टारगेट मैंने 0.75 लगा रखा है बट ये मैं चेंज करूंगा। इसमें मैंने 60,000 मैटिक ले रखे हैं जिसको मैं 1.5 लाख मैटिक की पोजीशन तक लेकर जाऊंगा, बट तब लेकर जाऊंगा जब मेरे को 100% कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। ट्रेड देखते हैं कौन सा लिया था। सो मैंने ट्रेड लिया था पेपे कॉइन में एंड पेपे को मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि ये बहुत अच्छा एक डाउनफॉल में था, डाउन ट्रेंड, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड बना। अब पेपे जो गिर रहा था ये एक मीम कॉइन है, जब ये गिर रहा था तो ऑब्वियसली बाकी कॉइन से ज़्यादा गिरेगा बट ये अपने एक बॉटम पे पहुंच चुका था। अब यहाँ से अगर ये गिरता तो ये उतना ही गिरता अब जितने बाकी कॉइन्स गिरते, बट अगर ये रिकवर करेगा तो ये ज़्यादा रिकवर करेगा इन कंपैरिजन टू अदर कॉइन्स एंड मैं बहुत टाइम से इस ट्रेड का वेट कर रहा था। यहाँ पर ब्रेकआउट आया इस पॉइंट पर एंड आई टुक दिस एंट्री एंड देन आई वॉज सिटिंग ऑन दिस ट्रेड कि भाई ये एक दिन मेरे को 15-20% का मूवमेंट देगा एंड आज से दो दिन पहले इसने वो मूवमेंट दिया, कल भी इसने वो मूवमेंट दिया। सो पेपे में देन आई बुक्ड पीएनएल। मैं बहुत टाइम से इस अकाउंट में कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा था, ये अकाउंट वापस $38,000 पर आ गया था $50,000 से। आई बुक्ड $8,300 प्रॉफिट इन पेपे। यह आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पेपे इतनी क्वांटिटी ली थी, $8,370 का मैंने प्रॉफिट बुक करा एंड ये ट्रेड जो मेरा लॉस में चल रहा था ये ट्रेड वापस प्रॉफिट में आ गया जिसकी वजह से अकाउंट वापस अब $51,000 पर आ चुका है। सो इससे हमें मतलब सिंपल सी ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अकाउंट एक रोलर कोस्टर की तरह चला है। पहले अकाउंट 10,000 से शुरू करा, ये अकाउंट 40,000 पे आया, वापस ये अकाउंट 14,000 पर गया, फिर ये 50,000 पर आया, फिर ये 38 पे गया एंड आज वापस $50,000 पे ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज समथिंग जो कि हमें समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ा सा रूम का मैं साथ साथ टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक हमारा प्राइवेट पूल है, यहाँ पे सामने सी, ये पेटोंग बीच है, यहाँ पर सामने नीचे भी यहाँ पे बीच है, यहाँ से दिख नहीं रहा है अभी एंड ये पूरी प्राइवेट सिटिंग एरिया। ये हमारा बेडरूम हो गया, बेड के बिल्कुल सामने यहाँ पे सी है एंड अब चलते हैं वॉशरूम में। सो जब भी ऐसी मैं ट्रिप्स पर आता हूँ आई वॉन्ट टू रिलैक्स तो आई मेक श्योर कि मेरे पास एक अच्छा सा बाथटब हो, तो यही बाथटब से सेम पूल व्यू एंड सी का व्यू है हमारे पास। अब सो
जो अभी तक हमने इस अकाउंट में किया है एंड जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पीछे के भी व्लॉग जाके देख सकते हैं। अकाउंट जैसे मैंने बताया कि पूरा रोलर कोस्टर की तरह था। हमने 10,000 से शुरू करा, ये अकाउंट 40,000 पे गया, फिर 14,000 पे आया इन द मंथ ऑफ अप्रैल जब मार्केट गिरी थी बिकॉज ऑफ ईरान इसराइल वॉर कंडीशन। उसके बाद ये अकाउंट वापस 50,000 पहुंचा। मैंने पूरी जर्नी शेयर करी हुई है। फिर ये अकाउंट 38,000 आया एंड देन फ्रॉम पास्ट वन मंथ आई वॉज सिटिंग ऑन कैश कि मैं वेट करूंगा कि भाई मैंने लाइव सेशंस करे, लाइव स्ट्रीम्स करे बहुत सारे कि एक परफेक्ट मूव का मैं वेट कर रहा हूँ। वेट करा, अकाउंट वापस $50,000 आ चुका है। तो लगभग 3.5-4 महीने में हम 10,000 से 50,000 पे आए हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये हर किसी के लिए पॉसिबल है, ये मेरे लिए इस वजह से पॉसिबल रहा क्योंकि मेरे लिए 10,000 कैपिटल एक ऐसी थी कि मैं लूज करने के लिए रेडी था। तो जितनी भी कैपिटल आप लूज करने के लिए रेडी हो उसी से आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। हमने 10,000 से शुरू करा, जब हम 40 पर जाके वापस 14 पे आए तब भी हम 4,000 प्रॉफिट में थे, विच वॉज अ वेरी गुड प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट था ऑन योर एक्चुअल कैपिटल, ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो कोई बुरा प्रॉफिट नहीं था, वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट था। बट आप जर्नी देखो कि इमोशनली हाउ आई हैंडल्ड द जर्नी एंड किस तरीके से मैंने अपने ट्रेड प्लान्स लिए। जो लोग ट्रेड्स के साथ हर महीने का टारगेट रखते हैं, यार मैं तो हर महीने 2% 3% करूंगा, वो लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाते क्योंकि आप ट्रेडिंग से हर महीने का टारगेट नहीं रख सकते। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट 6 महीने में पहुंच जाऊंगा, जैसे मैंने बोला कि मैं 10,000 से $1,00,000 का अकाउंट क्रिएट करूंगा, बट मैंने टाइम नहीं बताया क्योंकि मैं टाइम नहीं बता सकता। हो सकता है कि मैं पहले के 4 महीने ही कुछ पैसा ना कमाऊं और अगले के 2 महीने में अपने टारगेट अचीव कर लूं। तो टारगेट जब भी हम ट्रेडिंग से रखते हैं हमेशा पूरे साल का बनाते हैं। हो सकता है मैं 6 महीने 8 महीने पैसा ना बनाऊं बट 4 महीने में इतना बना लूं कि मेरा पूरा साल कवर हो जाए। हो सकता है मैं कंसिस्टेंटली 8 महीने तक पैसा बनाऊं और फिर 4 महीने ना बनाऊं। वो सिचुएशन डायनामिक है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो ट्रेडिंग आप इमोशंस अपने कंट्रोल में रख के करो। आपको पता होना चाहिए आपको कब ट्रेड लेना है, कब बाय ट्रेड लेना है, कब सेल ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। टेकिंग नो पोजीशन इन द मार्केट इज ऑल्सो पोजीशन। हमने 1 महीने से कोई पोजीशन नहीं ली। आप लाइव स्ट्रीम जो मैंने डाले उस पर जाकर देख सकते हो। आई वॉज सिटिंग ऑन कैश, करेक्ट टाइम पे पोजीशन ली, प्रॉफिट बुक करा। अब वापस आई एम सिटिंग ऑन कैश क्योंकि अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे, या तो पुल बैक दे फिर मैं बाय करूं या मेरे को कुछ ब्रेकआउट दे कन्फर्मेशन दे फिर मैं बाय करूं। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो इस वीडियो से। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आज आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली, बैक टू इंडिया एंड नेक्स्ट वीक आई हैव टू ट्रैवल टू दुबई। सो व्लॉग्स अब मैं बनाता रहूंगा। जब मैं ट्रैवल करता हूँ थोड़ी सी ब्लॉग की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है एंड अभी इस ट्रिप पे मेरे साथ जॉर्डन भी नहीं था तो मैं कैमरा भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।